दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसा सच दिखाने वाला हूँ, सुनाने नहीं वाला, दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको बुरा लग सकता है, तो पहले से आपको माफ़ी मांग रहा हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं उस सच को। आजकल क्या है, लोग बहुत यार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और इधर उधर जो जॉब भी करते हैं, जॉब बिजनेस भी करते हैं, सब बोलते हैं स्ट्रेस बहुत है हमारी लाइफ में, या मेरी जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, इसमें भसड़ बहुत है, इसमें टेंशन बहुत है, इसमें यार मतलब एसी में बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, सारी प्रिविलेजेस हैं, सब प्रिविलेजेस इन्जॉय कर रहे हैं, छुट्टी है, सैटरडे संडे ऑफ है, ये है वो है, मगर मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों मज़ा नहीं आ रहा? बस मज़ा नहीं आ रहा है, बस कुछ तो है जो मज़ा नहीं आ रहा। वो कुछ क्या है वो पूछो अगर, मतलब वो नहीं पता, मगर कॉलिंग है अंदर से, मज़ा नहीं आ रहा। किस चीज़ का मज़ा नहीं आ रहा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम 16वें फ्लोर में, और 16 फ्लोर से ऊपर कुछ भी नहीं है, एक और फ्लोर है बस, और ये बिना किसी सेफ्टी वेफ्टी के यहाँ पे पेंट कर रहे हैं और मज़े से कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई आपको, मैं सुनाता हूँ उनकी बात। है सीढ़ी के अलावा क्या है? और कुछ नहीं। तो बिना सपोर्ट के गिर गए तो कोई चक्कर नहीं है, सेफ्टी भी नहीं लगाते हैं अपा तो। नहीं लगाते तो नहीं है, पर गिर गए तो भैया क्या होगा? कोई टेंशन नहीं, नहीं टेंशन तो लेनी चाहिए, फैमिली की टेंशन लेनी चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसे बिना गिर जाए। इंजॉय करते हो क्या आप अपने काम? हैं बिल्कुल पक्का पक्का। तो दोस्तों, अगर ये अपनी इतने डिफिकल्ट जॉब इतने मज़े में कर सकते हैं, वो भी इतनी कम सैलरी में, सैलरी तो इनको क्या ही मिलती होगी, मतलब एक दो वक्त की रोटी सिर्फ मिलती होगी, अगर उसमें ये ऐसा कर सकते हैं तो शायद इतनी ख़राब तो नहीं है मोस्ट ऑफ़ यू जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी जॉब, इतनी ख़राब तो नहीं है हमारी लाइफ, इतनी कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है हमारी लाइफ में। फिर भी क्या ये सोचने का नज़रिया है, या फिर हम बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ गए हैं सोशल मीडिया के ऐसी चीज़ों के, ऐसे नैरेटिव्स के, जो कहीं ना कहीं हमें बताती है स्ट्रेस है, जॉब नहीं है, कॉलिंग है, ये है वो है। मतलब आप अपने से ऊपर वालों को तो हमेशा हम देखते ही हैं, बट हम कभी ये साइड भी देखें कि इनकी लाइफ में कितने डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये उन डिफ़िकल्टीज़ का कितने हंसते हुए सामना कर रहे हैं, ये हमारे लिए कितना कंफर्ट दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कि हमें शायद इस भाग दौड़ की दुनिया में हम जिन लोगों को हमें असली ग्रैटिट्यूड देना चाहिए लाइफ में, वो चूक जाते हैं। बिकॉज ये सब जितने भी लोग हैं बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, और कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, मगर शायद हम उनको ग्रैटिट्यूड नहीं देते। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग, बाकी सबसे मतलब अच्छे से बात करेंगे, मगर कहीं ना कहीं जो लोग हमारे लिए रियल अपना मतलब खून पसीना इतना रिस्क ले करके जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, उनको हम ग्रैटिट्यूड नहीं देते, उनको शायद हम उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितना वो डिज़र्व करते हैं। सो दो चीज़ें थी जो मैं कहना चाहता था। एक तो स्ट्रेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, बहुत लोग हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा रिस्की और कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं बहुत कम सैलरी में, मगर बहुत मज़े से कर रहे हैं, तो स्टेट ऑफ माइंड है एक। और दूसरा ये है कि जो ये सब इतना काम करते हैं, जो इकोसिस्टम है, चाहे वो गार्ड है, चाहे वो काम वाली बाई है, चाहे ये जिस तरह से ये पेंट कर रहे थे, ऐसे लोग जो हैं उनको हमें बहुत रिस्पेक्ट से और बहुत ऊंची नज़र से देखना चाहिए, और अ डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल दोज पीपल हु मेक आर लाइफ सो कम्फर्टेबल।